ए रैंक हंटर एपिसोड 86 से लेकर 90 तक। वीर के पैर तेजी से चलने लगे। अपने पैरों पर खड़े होते हुए वह सोचने लगा, इस दर पर इन हाईऑक्स को खत्म करना बहुत आसान होगा, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो चुपके से खुद को छिपाने का कोई मतलब नहीं था। उसके आस पास के शिकारी, जिनमें सोहन की हून भी शामिल थे, हंटर्स गिल्ड के कुलीन लोग थे, जिन्हें अक्सर दक्षिण कोरिया में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता था। यदि इन उच्च ऑक्स को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा चीर दिया गया होता तो वे बहुत जल्द ही यह पता लगा लेते कि यहाँ चुपके कौशल का प्रयोग किया गया था, क्योंकि वे उस विक्षिप्त महिला हीले के समान नहीं थे। खैर, ऐसा नहीं है कि पकड़े जाने से कोई परेशानी होगी, लेकिन वह अपने पुनर्नियुक्ति परीक्षण के परिणाम को सार्वजनिक होने से केवल एक दिन दूर था, इसलिए यदि संभव हो तो वह आज कोई अनावश्यक हंगामा नहीं खड़ा करना चाहता था। इसीलिए वह छापे के पूरी तरह विफल होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तब तक हंटर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होगा। उदाहरण के लिए, वह महिला हीला अभी लगभग मारी गई। यही कारण था कि वीर की आंखों में एक खास रोशनी चमक उठी। इसलिए केवल उन्हीं को चुने जिनसे मेरी ओर ध्यान न जाए। उन्होंने इस तरह की विधि अपनाने का फैसला किया। इस निर्णय पर पहुंचने में उन्हें पूरे एक या शायद दो सेकंड का समय लगा। तुरंत ही बरुका डैगर और नाइट किलर दोनों ही उसके हाथों में थे, जो कि विशुद्ध प्रतिवर्त क्रिया से बुलाए गए थे, इससे पहले कि वह सचेत रूप से उन्हें ऐसा करने का आदेश दे पाता। वे कब बाहर आए, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। इन दो जानी पहचानी खंजर की मूठों को कसकर पकड़ने की अनुभूति के साथ उसका बेतहाशा धड़कता हुआ दिल धीरे धीरे शांत हो गया। ये कितनी राहत की बात थी कि अभी कोई भी उसके हाव भाव नहीं देख सकता था, क्योंकि वह अभी भी चुपके अवस्था में था। खैर, वह एक हताश युद्ध के मैदान के बीच अकेले मुस्कुराने के लिए पागल के रूप में लेबल नहीं होना चाहता था, जहां मनुष्य और उच्च ऑक एक दूसरे के साथ खून से लथपथ नृत्य कर रहे थे। विशेषकर छापामार दल के नेता के लिए, जो तीन उच्च ऑर्क से घिरा होने के कारण पसीने से तर बतर है, यदि वह अभी वीर को देख ले तो पागल हो जाएगा। सबसे पहले वह वीर आगे बढ़ा, वह झुका और रिवर्स ग्रिप्ड खंजर ने हाई ऑक की एचलीस की एड़ी पर एक रेखा खींच दी। कोहेक, उच्च ऑक योद्धा दर्द से चिल्ला उठा, क्योंकि बिना किसी चेतावनी के उसके टखने के पिछले हिस्से को काट दिया गया था। वह तो केवल एक शुरुआत थी, मानो वह नाच रहा था। उसकी सहज अखंड चाल ने उसे अपने पहले शिकार के बाजू में बरुका का खंजर भोंपने के लिए प्रेरित किया। फिर उसने खंजर निकाला और दूसरे उच्च ऑक के घुटने के पीछे के हिस्से को काटने के लिए आगे बढ़ा। केवरूरूक कहॉक, शायद युद्ध के एड्रेनालाइन से दर्द को दबाना असंभव था। उच्च ऑक स्तब्ध रह गए जब कम से कम उम्मीद के मुताबिक उनके कमजोर बिंदुओं पर हमला किया गया। इतना काफी था, ठीक उसी तरह जैसे जलद्वार के खुलने से बाढ़ आ गई थी। सोहन की हून ने उच्च ऑर्क्स की घबराहट से बने द्वार का लाभ उठाकर जवाबी हमला शुरू कर दिया। छुरा भोंकना, केवरू कुरुरुक पैंट। सोहन की हून ने अपना सिर उठाया, उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार हाई ऑक के दिल में घुस रही थी। चमकता हुआ हाई ऑक और उसके कांपते होंठ जल्द ही उसकी पीठ पर गिर गए। उसकी आंखों का सफेद भाग दिखाई देने लगा। धप, सोहन की हून ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जिस तरह सोन की हून अंदर ही अंदर खुशी से चिल्ला रहा था और अभी भी आसपास के उच्च ऑर्क्स को एक एक करके काट रहा था, उसी तरह वीर इधर उधर जाकर खुद को व्यस्त रख रहा था। कुवाहाक कैओक, धीमे समय में वह किसी की नजर में आने से बचते हुए स्वतंत्रता पूर्वक घूमता रहा और उसने धीरे धीरे संतुलन को हंटर्स के पक्ष में झुका दिया। टुकड़ा, जब भी वीर आगे बढ़ता, उच्च ऑर्क्स के शरीर पर बड़े और छोटे घाव दिखाई देते। कहरूरूक खुवाक, जिस क्षण ये उच्च ऑर्क्स कहीं से भी उन पर लगाए गए घावों से स्तब्ध हो जाएंगे और अपना ध्यान खो देंगे, वही उनका अंत होगा। इन सर्वोच्च रैंक वाले शिकारियों ने अवसर का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमला जारी रखा। किसी कारण से अब लड़ना आसान हो गया है। क्या चल रहा है? क्या हम इतने सारे हाई ऑर्क्स के खिलाफ बिना किसी हताहत के जीत सकते हैं? यद्यपि छापा मारने वाली टीम के सदस्यों में संदेह बढ़ रहा था, फिर भी उनके दिलों में आशा और उत्साह दोनों बढ़ रहे थे। वे युद्ध में उतरने से पहले अपने एक या दो सैनिकों को खोने के लिए दृढ़ संकल्प थे, लेकिन अपनी अपेक्षाओं से भी अधिक वे अब तक काफी अच्छी तरह से लड़ रहे थे। पाओ, एक शिकारी द्वारा चलाई गई गदा ने एक उच्च ऑक योद्धा का सिर फोड़ दिया। तभी वीर को एक स्वागत संदेश सुनने को मिला। ऊपर का स्तर, ओह, वास्तव में उसे इधर उधर घूमने और अपनी ऊर्जा खर्च करने का इनाम मिला था। उसका स्तर वास्तव में बढ़ गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि शत्रु को सीधे मारने या उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के बावजूद भी उसे कुछ अनुभव प्राप्त हो गए थे, और मैंने उनमें से दो को अपने हाथों से मार भी डाला। इसके बाद उसने 13 से अधिक लोगों की हत्या में सहायता की। जब तक कि वह कोई अनुभव अर्जित नहीं कर रहा था, उसका स्तर ऊपर उठना समझ में आता था। पहले से भी ज्यादा उत्साहित, वीर की चाल पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। टुकड़ा, छुरा भोंकना, कुवाहक,
वीर के समय पर और चतुराईपूर्ण युद्धाभ्यास के कारण ये लड़ाई तेजी से समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। फू, वीर ने एक कदम पीछे हटकर अपने चारों ओर एक त्वरित नजर डालने से पहले अपने दो खंजरों को अपनी सूची में जमा कर लिया। ठीक है, इतना तो। वर्तमान स्थिति अब कमोबेश सुलझ गई लगती है, और एक अतिरिक्त बोनस के रूप में उन्होंने एक बार लेवल अप भी किया। वीर की नजर नीचे चली गई। हायऑक्स की लगभग 20 लाशें बेतरतीब ढंग से जमीन पर फेंकी गई थीं। खैर, अगर मैं खुद ही इनका पता लगाता तो मैं एक से अधिक स्तर ऊपर चला जाता। बहुत बुरा हुआ, यह एक कालकोठरी थी जहां शिकार करने के विशेष अधिकार के लिए हंटर्स गिल्ड ने एक मोटी रकम चुकाई थी। उसे यहीं तक जाना होगा। अच्छा, अपने चेहरे पर संतुष्ट भाव के साथ वीर कालकोठरी के अंधेरे कोने में लौट आया, एक ऐसी जगह जहां उसके जैसे कुली को सबसे पहले छिपना चाहिए। क्रूर, अपनी स्थिति को उलते हुए और अब शिकारियों द्वारा घिरे होने के कारण अंतिम उच्च ऑक योद्धा अपने गले की पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी चीख गुफा के अंदर काफी शोर से गूंज उठी। उस उच्च ऑक के पतन को देखते हुए वीर ने अपना स्टेल्थ हटा दिया। शुरू। इस बीच शिकारी भारी सांस ले रहे थे। उन्होंने जल्दी से आस पास के इलाके को स्कैन किया, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की, वहां कोई भी हाई ऑक्स खड़ा नहीं था। क्या हम जीत गए? हम जीत गए, पकड़ना। इससे पहले कि सभी लोग जीत की खुशी मना पाते, उनके नेता सोहन की हून ने सबसे पहले घायलों की स्थिति की पुष्टि की। कोई घायल है क्या? किसी को उपचार की जरूरत है? सच तो यह है कि अगर रेड टीम में कोई उच्च श्रेणी का हीलर शामिल हो तो इतने ज्यादा लोग घायल नहीं होंगे। जब तक वह व्यक्ति सांस ले रहा हो, तब तक किसी भी बाहरी घाव का तुरंत इलाज किया जा सकता है। तो सोहन की हून संभावित घायलों की स्थिति के बारे में नहीं पूछ रहा था। नहीं, वह वास्तव में पूछ रहा था कि क्या कोई व्यक्ति किसी तरह से मर गया है। जब उसकी नजर महिला चिकित्सक से मिली तो उसने अपना सिर हिला दिया। कुछ लोग घायल थे, लेकिन कोई मरा हुआ नहीं था। और इससे भी अच्छी बात यह थी कि उसने अभी सभी घायलों का उपचार पूरा किया था। उस मामले में इसके साथ ही छापा मारने वाली टीम के सदस्यों के चेहरे पर खुशी छा गई। हम जीत गए, हमने ये किया, वाह। शिकारी एक दूसरे को गले लगाकर जश्न मना रहे थे। वीर ने अपनी बाहें एक दूसरे पर टिकाई और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उल्लासित शिकारियों को देख रहा था। क्या इन उच्च ऑक्स को कठोर होना चाहिए था? उनके दृष्टिकोण से ठीक है। चूंकि वीर को उच्च रैंकिंग वाले कालकोठरियों पर छापा मारने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था, इसलिए वह छापा मारने वाली टीम के इस जोरदार जश्न को समझ नहीं सका। वीर को कुछ पता नहीं था कि ए या बी रैंक वाले कालकोठरी पर छापा मारने की योजना बनाते समय शिकारी न केवल इसकी रैंकिंग को ध्यान में रखते थे, बल्कि इसे खाली करने का प्रयास करने से पहले उत्सर्जित जादुई ऊर्जा की बारीकी से गणना भी करते थे। हाई ऑक्स को रैंक ए डेंगोन के भीतर उच्च श्रेणी का राक्षस माना जाता था। न केवल वे सामान्य हाई ऑक्स नहीं थे, बल्कि हाई ऑक योद्धा थे और उनमें से 20 थे। वास्तव में वर्तमान परिणाम किसी भी अन्य चीज की तुलना में चमत्कार के अधिक करीब था। उस चमत्कार का मुख्य नायक वीर अपने स्वयं के कार्यों के वास्तविक मूल्य को भी नहीं जानता था और बस वहां खड़ा होकर छापामार टीम की जीत पर चुपचाप बधाई दे रहा था। इस बीच महिला हीलर दृढ़ निश्चयी चेहरे के साथ सोन की फून के पास पहुंची। ये किसी ऐसे व्यक्ति की नजर थी जो कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता हो। वीर ने अपनी सुनने की शक्ति उस दिशा में केंद्रित की। माफ करना, की हून ओप्पा। हाँ, जब आप हाई ऑक्स के खिलाफ लड़ रहे थे। महिला चिकित्सक ने सावधानी पूर्वक विस्तार से बताया कि उसने क्या देखा था। और ऐसा होगा, उच्च ऑक अचानक हवा में तैर जाएगा और अपने कटे हुए सिर से दूसरे ऑक को मारने से पहले अपना सिर काट लेगा। उसका चेहरा भी बहुत गंभीर था। सोन की हूँ पूरी तरह अवाक रह गया। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। जब महिला चिकित्सक और उसका लाल चेहरा इस अन्याय का विरोध कर रहे थे तो वीर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को दबा पा रहा था। वे जीत के बाद के जश्न में थोड़ी देर ही रमे रहे। शिकारी जल्द ही एक एक करके अपने नेता सोन की खून के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। कप्तान, क्या हम आगे बढ़ेंगे? क्या ये बहुत खतरनाक नहीं होगा? हम प्रवेश द्वार से बहुत दूर भी नहीं है, फिर भी हम पहले से ही हाई ऑक्स के एक पूरे समूह में भाग गए हैं। रणनीतिक वापसी के बारे में क्या ख्याल है? सोहन की खून ने अपनी नजर गुफा के गहरे हिस्से की ओर डाली। उसका मुंह कसकर बंद था। यह आसान नहीं होगा। वीर को यहां सोहन की खून से थोड़ी सहानुभूति हो सकती है। हंटर्स गिल्ड के लिए काम करते हुए, जिसके रैंक में 2 एस हंटर्स थे, आज की छापेमारी शायद एकमात्र ऐसा अवसर था जब सोन की खून को छापेमारी दल का नेतृत्व करने का मौका मिला। और सोचिए, नेता के रूप में अपनी पहली ही कोशिश में उन्हें इतनी जल्दी पीछे हटना पड़ा। उनकी जगह कोई भी होता तो आगे बढ़कर इस जगह को खाली करने के लिए लालायित होता। हालांकि यदि आप एक चतुर बुद्धिमान नेता हैं तो मानो उसने अपना मन बना लिया हो। सोहन की खून के होंठ हल्के से कांपने लगे। वीर की आंखें सिकुड़ गईं। सौभाग्यवश ये बात सामने आई कि सोन की खून मूर्ख नहीं था।
फिलहाल चलो पीछे हटते हैं। कालकोठरी के अंदर नेता की पसंद पूरी तरह से तय थी। अलिखित नियम के अनुसार जब तक कोई छापा मारने वाली टीम का हिस्सा है, उसे नेता के आदेशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। एक व्यक्ति कहा करता था कि पहले युद्ध में अवज्ञाकारी सैनिकों को तुरंत मार दिया जाता था, है ना? एक तरह से कालकोठरी किसी भी युद्ध क्षेत्र से कहीं ज्यादा खतरनाक जगह थी, और इसलिए टीम के बचने या खत्म होने का सवाल इस बात पर निर्भर करता था कि नेता कौन था। शुक्र है कि सोहन की फून ने अपनी टीम के सदस्यों को निराश नहीं किया। पीछे हटने का उनका आदेश सुनकर सभी ने हल्के से अपनी छाती थपथपाए। वाह वाह, मुझे वास्तव में चिंता थी कि सोन युंग अंत तक जाने पर जोर देगा, आप जानते हैं। सोहन की फून ने मुस्कुराकर उस व्यक्ति के कंधे पर थपथपाया जिसने ऐसा कहा था। मैं ऐसा कोई अंधा मूर्ख नहीं हूँ, मुझे पता है, लेकिन यहाँ देखो युंग, मेरे कांपते हाथों को देखो। वीर ने सामान उठाया और अपनी पीठ पर रख लिया। सोन की फून के आदेश के साथ छापामार दल ने पुनः आगे बढ़ना शुरू कर दिया, यद्यपि उनकी दिशा बदल गई थी। वीर व्यंगपूर्वक मुस्कुराया, और मैं यहाँ हूँ और थोड़ा और गहराई में जाने की उम्मीद कर रहा हूँ। चाहे जो भी हुआ हो, वह एक अतिथि से अधिक कुछ नहीं था, और एक अतिथि के रूप में उसे मकान मालिक के निर्णय के बारे में इधर उधर की बातें करने का कोई अधिकार नहीं था, है ना? ये सचमुच थोड़ा अफसोसजनक था, लेकिन इसे आज यहीं समाप्त करना होगा। महिला चिकित्सक को लगा होगा कि नेता उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए वह थोड़ा कठोर स्वभाव की थी, क्योंकि वह वीर के ठीक बगल में आकर बड़बड़ाती रही। लेकिन ये सचमुच हुआ, यद्यपि चेहरे पर बड़ा सा गुस्सा लाकर उसने वीर को देखा, उसके दिल में अभी भी उम्मीद की एक किरण बची हुई थी। माफ करना, क्या तुमने वह हाई देखा? मैंने कुछ नहीं देखा, हाइंग। उसकी आशा को उसी समय क्रूरतापूर्वक कुचल दिया गया था। वीर को यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी कि वह उसे खुद से हंसते हुए न देख ले। हालांकि कुछ ही समय बाद वे पीछे हटने लगे। समूह का अगला हिस्सा अचानक रुक गया। सोहन की फून ने अपना दाहिना हाथ उठाया। सब लोग रुकें। उसकी आवाज में भ्रम साफ झलक रहा था। सावधानी से आगे बढ़ते हुए थके हुए शिकारी रुक गए और वीर भी रुक गया। वह पीछे की ओर नजर रख रहा था ताकि कहीं राक्षस उनका पीछा न करें। सरसराहट सरसराहट, शिकारियों की आवाजें ऊंची उठ गईं। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या हो रहा है? रास्ता क्यों अवरुद्ध है? जब हम पहले अंदर गए थे तो क्या सब ठीक नहीं था? वीर शोर मचाते हंटर्स के पास से निकलकर आगे बढ़ा, फिर उसने हाथ बढ़ाया और उसकी आंखें भी चौड़ी हो गईं। यह अवरुद्ध कर दिया गया है। रास्ता एक अदृश्य अवरोध द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। उसे तुरंत ही तत्काल कालकोठरी याद आ गई, और खास तौर पर वह दीवार जो तत्काल कालकोठरी और वास्तविकता के बीच की सीमा को चिन्हित करती थी। लेकिन उसने जल्द ही अपना सिर हिला दिया। नहीं, यह उससे अलग है। वह इस अदृश्य दीवार में कृत्रिमता की एक खास भावना को पहचान सकता था। ये देखकर कि इसमें जादुई ऊर्जा का एक अंश मिला हुआ था, यह अवरोध उच्च बुद्धि वाले किसी राक्षस द्वारा डाले गए जादू के मंत्र का परिणाम रहा होगा। लेकिन क्यों? बाहर जाने का रास्ता क्यों रोका गया, अंदर जाने का नहीं? तभी वीर का सिर पीछे की ओर घूम गया, मानो वह इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। भयंकर शक्तिशाली जादुई ऊर्जा तरंगे गुफा के दूर छोर से सुनामी की तरह समूह पर टूट पड़ी। ये कैसे हो सकता है? यह इस कालकोठरी के मालिक से था। कालकोठरी के अंदर जादुई ऊर्जा उत्सर्जन का स्तर द्वार के बाहर महसूस किए गए स्तर की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर पर था। अब तक अन्य शिकारियों को भी जादुई ऊर्जा की उस अत्यधिक मात्रा का एहसास हो गया होगा, क्योंकि वे भी कांपने लगे थे। क्या बकवास है, अचानक मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं? हर पल शिकारियों का रंग पीला पड़ता देख वीर के दिमाग में एक सिद्धांत आया। अगर मान लीजिए कि कोई बॉस है जो अपनी उपस्थिति छिपा सकता है, तो वह दीवार जो उनके प्रवेश के समय वहां नहीं थी, और वह बॉस जिसने अवरोध खड़ा होने के बाद ही अपने नुकीले दांत दिखाए। बिल्कुल नहीं। क्या उसने जाल बिछाया था और शिकारियों के तहखाने में प्रवेश करने का इंतजार कर रहा था? ऐसा सोचते ही वीर की पीठ में ठंडक दौड़ गई। और यकीनन कालकोठरी के भीतर के अंधेरे के पार से अनगिनत कदमों की आवाजें, जो पहले से कहीं ज्यादा तेज थी, जोर से गूंज रही थी। इसके बाद जो हुआ वह एक अजीब घटना थी। जैसे जैसे गुफा के दूसरी ओर से कदमों की आवाज तेज और करीब आती गई, शिकारी कम आवाज करते गए। सोहन युंग, जल्द ही समूह में घुटन भरी खामोशी छा गई। हालांकि वीर के कान खड़े हो गए थे। अपने आस पास के शांत होने से पैदा हुए अवसर का लाभ उठाते हुए वीर ने दुश्मनों के कदमों के आधार पर उनकी संख्या गिनना शुरू कर दिया। कदम कदम, धप धप। अपनी पहले से ही उन्नत श्रवण शक्ति तथा उच्च अनुभूति क्षमता के कारण वह प्रत्येक पदचिह्न को उसके मूल स्वामियों तक अलग अलग पहचान सकता था। 48, 49, 50, 51, कुल 51 अलग अलग पदचिह्न थे। पदचिह्नों की ध्वनि उच्च और योद्धाओं के पदचिह्नों जैसी ही थी। वीर ने अपने चारों ओर नजर डाली। शिकारियों के चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी।
उसे लग रहा था कि उन्हें भी कदमों की गूंज से दुश्मन के आकार का अंदाजा लग गया था। ये छापामार दल 22 उच्च औक योद्धाओं के खिलाफ जीत हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन अब उनमें से 51 आ रहे थे। ये संख्या दोगुनी से भी ज्यादा थी। यहाँ जीत की कोई उम्मीद नहीं है। छापा मारने वाली टीम के सदस्य भी मोटे तौर पर यही राय रखते थे। वीर ने अचानक अपनी परछाई पर नजर डाली। उसे लगा कि वह अभी थोड़ा सा डगमगा रही है। उसने ये भी सोचा कि उसके छाया सैनिक चिल्ला रहे हैं, खून देखने की उनकी इच्छा तीव्र हो रही है। वीर ने अपना सिर फिर से ऊपर उठाया। धप धप धप। उसका शांत हृदय जो अब तक स्थिर था अब और तेजी से धड़कने लगा। इसके लिए प्रतीक्षा कीजिए, अभी सही समय नहीं था। इस प्रकार स्वयं को सांत्वना देते हुए वीर चुपचाप सामने की ओर देखता रहा। आखिरकार राक्षसों ने खुद को प्रकट कर दिया। अंगिनत माचिंग हायऑक शिकारी से थोड़ी दूरी पर रुक गए। कुरुरुरु। हायऑक ऐसे दहाड़ रहे थे मानो वे किसी भी समय हमला कर सकते हैं। 50 से ज्यादा हायऑक योद्धाओं से निकलने वाली रक्तपिपासु आभा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लड़ाई का नतीजा उनसे लड़े बिना भी साफ साफ दिख रहा था। यह पागल है, ये बेतुकी बकवास कैसे हो सकती है। ओह, शिकारियों ने लंबी कराहें निकाली। भारी दबाव महसूस करने के बाद वे धीरे धीरे पीछे हटते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका रास्ता अभी भी अवरुद्ध था। तो अब वे क्या करेंगे? शिकारी कुछ समय पहले से ही युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन अभी तक कोई भी आगे नहीं आया और केवल सोनकी हूं के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा था। सोनकी हूं के होंठ सीधी रेखा में कसकर बंद थे। हे भगवान, धिक्कार है। काश चेयरमैन चोई जोंग इन्हें हंटर चाहे इन्हें होते। सोनकी हूं की अभिव्यक्ति भद्दी हो गई। रैंक एस हंटर्स में अविश्वसनीय शक्तियां थीं जो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को पलट सकती थीं। अगर उन दोनों में से कोई भी यहां होता तो ये हायऑक्स कुछ भी नहीं होते। बस ऐसी स्थिति में वे यहां क्यों नहीं थे? सोनकी हून हमेशा उनके साथ लड़ता था, इसलिए उसे अब अपनी शक्तिहीनता का एहसास हो रहा था। एक भी रैंक एस की अनुपस्थिति वाकई हड्डियों को कंपा देने वाली दर्दनाक बात थी। दुर्भाग्य से वह हमेशा अपनी बदकिस्मती पर विलाप नहीं कर सकता था। नहीं, उसे यहाँ एक निर्णय लेना था। यहाँ लड़ने से निश्चित रूप से हमारी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि उनके पीछे हटने का रास्ता बंद हो जाने के कारण अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जिस दिन उसने शिकारी बनने का फैसला किया, जिस दिन उसने पहली बार एक तहखाने के अंदर कदम रखा और जिस दिन वह गंभीर रूप से घायल होने के बाद पहली बार बेहोश हो गया, क्या उसे पहले से ही यह अनुमान नहीं था कि आज जैसा दिन जल्द या बाद में आएगा? ठीक है, ऐसा हुआ था, है ना? अपने निर्माता से मिलने का निश्चय कर सोहन की हून ने अपनी तलवार निकाली। प्रारंभ। सोहन की हून ने अपने साथियों की ओर देखा और शिकारियों ने सिर हिलाया जैसे कि वे संकेत का इंतजार कर रहे थे। सोहन की हून की नजर फिर से उसके सामने आ गई। फिर उसने ढाल को अपनी थोड़ी तक लाया और हायऑक्स को घूरा। अभी भी कोई हलचल का संकेत नहीं दिखा रहा था। तो क्या अंततः उन्होंने अपना चुनाव कर लिया? वीर भी तैयार हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया और बरुका का खंजर वहां प्रकट हो गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही युद्ध निकट आया, उसका तेजी से धड़कता हुआ दिल अचानक पूरी तरह से शांत हो गया। धप धप धप। ध्यान भटकाने वाले विचारों से छुटकारा पाएं और अपनी सांसों पर नियंत्रण रखें। ठीक है। जब वीर ने अपनी आंखें खोली तो उनके भीतर एक तेज चमकती हुई रोशनी प्रचंड रूप से जल रही थी। गल्प। शिकारियों ने जबरन अपनी सूखी लार निगल ली, उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। दूसरी ओर वीर अपने होठों को चटकाने में व्यस्त था। ये लोग मुझे कितने अनुभव अंक देंगे? उसके होठों पर प्रत्याशा की एक पतली मुस्कान फैल गई। हालांकि इससे पहले कि कुछ हो पाता, उच्च ऑक्स में से एक आगे बढ़ा। उसने अन्य ऑक्स को जोर से धक्का देकर समूह से बाहर निकल आया। उसकी जंगली जानवर जैसी आंखें शिकारियों की दिशा में देख रही थीं। बादल की गरज। इसका शरीर अन्य की तुलना में काफी बड़ा था तथा इसके नुकीले दांत भी काफी लंबे थे। तो क्या वह नेता है? वीर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यदि वह अब उस आदमी से छुटकारा पा ले तो क्या लड़ाई बहुत आसान नहीं हो जाएगी? तो फिर उसे यहाँ क्या करना चाहिए? वीर ने बरुका के खंजर की पकड़ को छेड़ा और विचार किया। इस बीच उस उच्च ऑक ने अपना मुंह खोल दिया। कुरेरेक्टू शीना वेकुडो अर्कन का प्राणी की आवाज निश्चित रूप से तेज थी। हायऑक की नजरें छापा मारने वाली टीम के नेता सोहन की हून पर टिकी थी। कुरेरेक्टू शीना वेकुडो अर्कन का सरसराहट सरसराहट। शिकारियों की निगाहें व्यस्तता से इधर उधर घूम रही थी। क्या बकवास है? क्या वह चीज हमसे बात करने की कोशिश कर रही है? यह क्या कह रहा है? ये तब था। हायऑक के चेहरे की मांसपेशियां कांपने लगीं। जब वह अजीब कंपन कम हुआ तो राक्षस के मुंह से पहले से बिल्कुल अलग आवाज निकली। मनुष्य, ऐसा लग रहा था मानो किसी और चीज ने बोलने के लिए राक्षस का मुंह उधार ले लिया हो। ओह,
मनुष्य, करीब से देखने पर उस सामान्य दिखने वाले ऑक की आंखें अब असंकेंद्रित और धुंधली थीं, जैसे कि बहुत समय पहले मर चुकी किसी मृत मछली की आंखें हों। हे वैक, शिकारी इस प्रकार घबरा गए मानो उनके सिर के पिछले हिस्से पर अचानक से प्रहार हुआ हो। एक ऑक ने अभी मनुष्यों की भाषा बोली। एक ऑक कोरियाई कैसे बोल सकता है? क्या ये जादू है? क्या ऐसा हो सकता है? इस अप्रत्याशित स्थिति पर शिकारी चुप नहीं रह सके। नेता हाई ऑक ने बोलना जारी रखा, मैं करुगालगन हूँ। मैं इंसानों से मिलना चाहता हूँ और इसका अनुसरण करना चाहता हूँ। क्या कोई राक्षस मनुष्य से बात करना चाहता था? इससे पहले ऐसे किसी मामले की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। इस अभूतपूर्व घटना का सामना करते हुए न केवल सोन की हूं बल्कि छापा मारने वाली टीम में शामिल सभी लोग पूरी तरह असमंजस की स्थिति में आ गए। कि हूं ह्यून, मुझे आशा है कि आप किसी राक्षस की बातें नहीं सुन रहे हैं। कृपया आपको इसे नजरअंदाज करना होगा। कि हूं, आह, यह एक जाल है। चाहे कुछ भी हो, हमें इसे यहीं खत्म करने की कोशिश करनी होगी। लेकिन फिर भी अगर यह एक ऑक है जिससे हम बात कर सकते हैं तो शायद हम बेवकूफ मत बनो। तुम पहले ही कई काल कोठरियों में जा चुके हो, तो क्या तुम्हें अब तक नहीं पता कि वे कैसे काम करती हैं? एक सेकंड से भी कम समय में उनकी राय अलग हो गई। राक्षस के शब्दों का उत्तर देने से पहले सोन की हून ने कुछ देर तक चुप्पी साधे रखी। करुगलिगन, क्या तुमने गुफा को अवरुद्ध कर दिया? ये सही है, मैं ऑर्क्स का गौरवशाली उच्च जादूगर हूँ। मेरे मंत्र मनुष्यों की शक्ति से नहीं तोड़े जा सकते। क्या इस गुफा के अंदर आपसे भी अधिक शक्तिशाली कोई है? किसने मेरा विरोध करने की हिम्मत की? हाईऑक से एक अविश्वसनीय रूप से तेज दहाड़ निकली और शिकारी लोगों के कान के पर्दों पर जा लगी। लगभग सभी ने गहरी भौहें सिकुड़ी और अपने कान धंक लिए, लेकिन सोन की हून बस अपना सिर हिला रहा था। अभी भी काफी शांत दिख रहा था। उसकी उम्मीदें पैसों पर थीं। उस हाईऑक के मुंह से बोलने वाला अस्तित्व बिना किसी संदेह के इस कालकोठरी का बॉस था। चूंकि वह कालकोठरी के टूटने तक बॉस रूम से भाग नहीं सकता था, इसलिए वह शिकारियों को अपनी मांद में प्रवेश करने के लिए बुला रहा था। मुझे नहीं पता कि वह हमें वहां क्यों चाहता है, लेकिन जब सोन की हून का उत्तर तुरंत नहीं आया तो नेता हाई ऑक ने अपनी बड़ी कुल्हाड़ी अपने सिर के ऊपर उठा ली। अब चुनो, यहीं मरो मेरे सैनिकों के हाथों, या मेरे सैनिकों का अनुसरण करो। हम अनुसरण करेंगे, सोन की हूं के तत्काल उत्तर से शिकारियों की आंखें चौड़ी हो गईं। कि हून ह्यूंग, मिस्टर की हून, सोहन की हून ने अपने साथियों को उसे रोकने की कोशिश करते हुए रोका और उच्च ऑक की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। तो फिर आओ मानव, इन शब्दों के खत्म होने के साथ ही नेता हाई ऑक की धुंधली आंखें अपनी मूल स्पष्टता वापस पा गईं और वह रक्तपिपासा की जंगली जानवर जैसी चमक होगी। प्राणी फिर से बोला, आशुए तूरे का। उस एक वाक्य के साथ भयंकर शत्रुता से जल रहे हाई ऑक योद्धा पीछे हट गए, जैसे कि यह सब झूठ था। नेता हाई ऑक पीछे हटने के बिना इंतजार करता रहा और सोन की हून को इशारा करके कहा कि वह उसके पीछे चले। चलो हम भी चलें। सोन की हून सबसे पहले चलने लगा और झिझकते हुए शिकारी एक के बाद एक उसके पीछे चलने लगे। वह क्या सोच रहा है? वीर अपने चेहरे पर उलझन भरे भाव के साथ देखता रहा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि बॉस ही नहीं बल्कि अंगिनत हाई ऑक्स बॉस रूम के अंदर उनका इंतजार कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि उस तरफ उनकी जीत की संभावना और भी कम होगी। इसलिए ये समझना कठिन था कि सोन की हून ने राक्षसों का पीछा करते समय क्या सोचा था। क्या वह बॉस से समझौता करने की कोशिश कर रहा है यहाँ से जिंदा निकलने के लिए? हालांकि इसके सफल होने की संभावना बेहद कम थी। नहीं, शायद ये बेहतर था। वीर को शुरू में लगा था कि यह छापा कुछ भीड़ के जीवों को मार गिराने के साथ खत्म होगा, लेकिन अब उसे बॉस से मिलने का मौका मिल गया। उसने खंजर को वापस अपनी इन्वेंट्री में रख दिया और धीरे धीरे समूह का पीछा करने लगा। वे कितनी देर तक चले? सोहन की हून ने धीरे धीरे अपनी चाल धीमी कर ली और वीर के पास पहुंच गया। और फिर उसने धीमी आवाज में आवाज लगाई, हंटर निम। हाँ, वीर ने जवाब देते हुए सामने की ओर देखना जारी रखा। सोहन की हून भी आगे बढ़ते हुए हाई ऑक्स की पीठ को घूरता रहा। हम जैसे ही बॉस से मिलेंगे हम तुरंत हमला करेंगे। जब ऐसा होगा, चाहे हमारा हमला सफल हो या न हो, कमीने को बाहर निकलने से रोकने के लिए जादू का जादू जारी रखने में सक्षम नहीं होना चाहिए। ये बात कुछ हद तक सही थी। जब तक कि यह किसी प्रकार का हैक्स प्रकार का जादू न हो, किसी मंत्र को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अपना ध्यान केंद्रित रखना पड़ता था। खासकर अगर कोई उच्च श्रेणी का जादू बनाए रखना चाहता है तो एक अविश्वसनीय मानसिक ध्यान एक आवश्यकता है। हालांकि इसके बारे में क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे बॉस को मारने में सफल होते हैं या बाहर निकलने के रास्ते को रोकने वाले जादू को रद्द करने में कामयाब होते हैं, फिर भी वे अंगिनत हाई ऑक्स से घिर जाने के बाद बॉस रूम के अंदर ही एक कुत्ते की मौत का सामना करेंगे। इस छापामार दल के जीवित वापस लौटने की संभावना अभी भी बहुत कम थी। शायद वीर की जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए सोहन की
हून ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा, जबकि उनका ध्यान हम पर है। हंटर, निम, कृपया बॉस रूम से भाग जाएं। एक बार जब आप कालकोठरी से बाहर निकल जाएं, तो आपको मुख्य हमलावर बल को सचेत करना होगा। जब तक रैंक एस हंटर्स से बनी हमला टीम यहां पहुंचती, तब तक उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका होता। सोहन की, हून मरने के लिए तैयार हो रहा था। क्या तुम बॉस के साथ मरने की सोच रहे हो? वीर ने सोहन की, हून के हाव भाव पर एक नजर डाली। उसका चेहरा कठोर बना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में कोई संदेह नहीं था। हमारा काम इस कालकोठरी से जिंदा बाहर निकलना नहीं है, बल्कि दरवाजे बंद करना है। बाहर के कई लोग हमें इस काम के लिए बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। जैसे जैसे सोन की, हून बोलते गए, उनकी आवाज में और अधिक दृढ़ता आती गई। हम अपना काम उसी हिसाब से करेंगे जिसके लिए हमने प्रशिक्षण लिया है। हालांकि आप अलग हैं, यहां मरने की कोई वजह नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप यहां से जिंदा निकल पाएंगे। अब उनकी आवाज में अटूट विश्वास साफ झलक रहा था। उनके शब्दों में उनका दृढ़ संकल्प झलक रहा था। वीर को एहसास हुआ कि इस समय वह जो कुछ भी कहेगा उससे सोन की हूं को कोई मदद नहीं मिलेगी। तो उन्होंने जवाब में बस अपना सिर हिला दिया। चाहे इन अंततः दूसरे दर्जे के एक गेट के स्थान पर पहुंचे। उसने अपनी बेसबॉल टोपी नीचे खिसका रखी थी, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले कुछ ही लोग उसे पहचान पाए। सबसे पहले उसने खनन टीम की तलाश की। कुछ शिकारी उसके पास से गुजरे और एक दो बार उसकी ओर चुपके से देखा, लेकिन वे सभी तो गिल्ड के लिए ही काम कर रहे थे और उसके बाद उनमें से किसी ने भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः वह दूर से फोरमैन बे को देख सकी, साथ ही उसके चारों ओर खनन टीम को भी। प्रहार प्रहार, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर उसने वहां उपस्थित प्रत्येक खनिक के चेहरों को देखा। कहां है वह? वह उन लोगों के बीच वीर को नहीं देख सकी। वह ये कैसे कहे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ऊर्जा एक ही बार में उसे छोड़ रही हो। क्या उन्होंने खनिक बनना छोड़ दिया? मैं एक मिनट और रुक क्यों नहीं सकता? वह बस एक पल के लिए वहां से चला गया था और जल्द ही वापस आ जाएगा। 3 मिनट और नहीं, शायद 5, और इसलिए उसने 15 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन अंत में वीर नहीं आया। फू, एक लंबी सांस छोड़ने के बाद चाहे इन जाने के लिए मुड़ी, लेकिन 2 कदम चलने के बाद ही वह फिर मुड़ी और अपनी जगह पर वापस आ गई। उसने अपनी टोपी उतारी और फोरमैन बे की ओर चलने से पहले कई गहरी सांसें ली। खनन दल के सदस्यों की निगाहें अब उसकी ओर थीं। शुक्र है कि बदबू इतनी बुरी नहीं थी, शायद इसका कारण खनन दल में शिकारियों का पद निम्न होना था। ओह, चाहे इनको पहचान कर फोरमैन बे तुरंत उसके पास दौड़ा। चाह हंटर, निम, मुझे लगा कि आज तुम छुट्टी ले रहे हो। नमस्ते, चाहे इनने फोरमैन बे के साथ एक साधारण अभिवादन साझा किया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उसकी बातें नहीं सुन रहा है, उसने सावधानी पूर्वक उससे एक प्रश्न पूछा। क्या संयोग से क्या मिस्टर वीर नाम का कोई शिकारी आपके लिए काम कर रहा है? मिस्टर वीर, अचानक एक अप्रत्याशित नाम का उल्लेख सुनकर फोरमैन बे के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। यदि आप मिस्टर वीर की तलाश कर रहे हैं तो उन्होंने एक कुली की नौकरी की है। एक कुली? चाहे इन सदमे से चीख पड़ा। क्या आप कह रहे हैं कि वह सचमुच गेट के अंदर गया था? फोरमैन बे ने जोर से अपना सिर हिलाया, मानो ये दर्शाना चाह रहा हो कि उसे भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ मिस, यही तो हुआ था। रैंकी हंटर ने एक पोर्टर के रूप में स्वेच्छा से काम किया और रैंक के कालकोठरी में प्रवेश किया और उसके पास दर्जनों जीवन या कुछ भी नहीं था। वह क्या सोच रहा था? लेकिन जब चाहे इनने इस बारे में सोचा तो क्या उसने कल बॉस रूम में उस आदमी को हथियारों के साथ घूमते हुए नहीं देखा था? वास्तव में उसने तब कुछ भी गलत नहीं देखा था। फिर एक और बात पर संदेह होना चाहिए। हालांकि उसने कल की घटना को एक संयोग मानकर छोड़ दिया, लेकिन जब उसने वास्तव में इसके बारे में विस्तार से सोचा तो 4 साल के अनुभव वाले एक शिकारी के लिए इस तरह की कालकोठरी के अंदर खो जाना एक अजीब बात थी। मुझे इसका पता लगाना होगा, वह सोचने लगी कि उसे बस ये पुष्टि करनी है कि मिस्टर वीर नामक ये शिकारी उसके शिकारी संघ से क्या चाहता है, और ऐसा करने के लिए उसे कालकोठरी में प्रवेश करना होगा। वह न केवल हंटर्स गिल्ड की वाइस चेयरमैन थी, बल्कि वह रैंक एस हंटर भी थी। अगर वह किसी ऐसे तहखाने में जाना चाहती थी जहां हंटर्स गिल्ड छापा मार रहा था, तो कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता था। चाहे इन्हें अपने विकल्पों पर विचार करते हुए शीघ्रता से निर्णय लेने से पहले अपने अंगूठे को हल्के से काटा। मुझे स्वयं गेट के अंदर जाना होगा। फोरमैन बे की आंखें बहुत गोल हो गईं। हे वैक, क्या कोई दुर्घटना हुई थी? क्या हमें गिल्ड से अतिरिक्त कर्मियों के लिए पूछना चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, यह एक निजी मामला है। मैं बस उससे कुछ निजी बात करना चाहता था, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओह, मैं समझा। चाहे इन गेट की ओर घूम गया, हालांकि तब उसे अपना पक्ष काफी खाली महसूस हुआ। आह, मेरा हथियार, उसने अपनी कमर पर हाथ फेरा, लेकिन उसे देर से याद आया कि उसने अपनी तलवार घर पर ही छोड़ दी थी।
चूंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने छुट्टी के दिन इस तरह से कालकोठरी में प्रवेश करेगी, तो चाहे इनका माथा सुंदर रूप से उभर आया। एक नेता के रूप में मिस्टर की हुन पूरी तरह से भरोसेमंद व्यक्ति हैं और टीम के बाकी सदस्य सक्षम हंटर से बने हैं, लेकिन बिना हथियार के कालकोठरी में प्रवेश करना अभी भी अकल्पनीय था। कुछ देर सोचने के बाद वह एक बार फिर फोरमैन बे का सामना करने के लिए मुड़ी। क्या कुछ और है मिस? फोरमैन बे ने भ्रमित निगाहों से उसकी ओर देखा। मिस्टर फोरमैन, क्या मैं आपसे एक हथियार उधार ले सकता हूँ? मुझे क्षमा करें। फोरमैन बे ने कुछ हिचकिचाहट के बाद पास से गुजर रहे एक हंटर को आवाज लगाई। अरे, यहाँ पर मिस्टर सेक, कृपया मुझे हमारा एक उपकरण लाकर दो। हाँ बॉस। मिस्टर सियोक ने जो उपकरण तेजी से लाया वह एक कुदाल था जिसका उपयोग खनन टीम द्वारा किया जाता था। चाहे इनकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। माफ कीजिए, क्या आपके पास और कुछ नहीं है? ओह, जैसे कि उदाहरण के लिए तलवारें या भाले। लेकिन अगर आप हमसे ऐसी चीजें मांगते हैं तो ठीक है। चाहे इनने गहरी सांस ली। मैं समझता हूँ। फिर उसने सावधानी से उस कुदाल को ठुकरा दिया जिसे फोरमैन बे ने उसे देने की कोशिश की और जल्दी से गेट की ओर चल पड़ी। उसने उत्सुकता से उससे पूछा क्योंकि उसने उसे पीछे हटते देखा था। चाह हंटर निम, क्या आपके लिए वहां खाली हाथ रहना ठीक रहेगा? चाहे इन अचानक रुक गया और कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर जल्दी से फोरमैन बे से कुदाल लेने के लिए वापस चला गया। वह बहुत ही मिलनसार तरीके से हंस पड़ा। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा है मिस। मेरा मतलब है, चाहे कुछ भी हो, तहखाने के अंदर बिना हथियार के रहना खतरनाक होगा। तो ठीक है। जब वह जल्दी से जाने के लिए मुड़ी तो दुर्भाग्यवश फोरमैन बे को उसके गहरे लाल रंग में रंगे कान दिखाई नहीं दिए। छापा मारने वाली टीम के सदस्यों के चेहरों पर दृढ़ निश्चय के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपना मुंह पूरी तरह से बंद रखा, मानो ये दर्शाना चाह रहे हों कि उन्हें अपनी किस्मत पहले से ही पता है। इस बीच महिला हील वीर के पास पहुंची और सामान में खोजबीन करने लगी। वीर ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और पूछा, आप क्या कर रहे हो? पकड़ना। उसने जो निकाला वह एक छोटा सा महिलाओं का हैंडबैग था। देखिए, अगर मैं अपने बैग से बहुत दूर रहूं तो मुझे थोड़ा असहज महसूस होता है। उसने उससे पूछा भी नहीं, फिर भी उसने उसे बहुत प्यार से स्पष्टीकरण दिया। उसने बैग से एक मेमो पैड और एक पेन निकाला और फिर उस मेमो पैड पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि वह सामने नहीं देख रही थी, वह बार बार अपना सिर वीर के कंधे से टकरा रही थी। अंततः उसने मेमो पैड बंद कर दिया। उसका बैग, जिसे उसने ज्ञापन लिखते समय अपने कंधे पर लटका रखा था, पुनः सामान के अंदर धकेल दिया गया, लेकिन ज्ञापन उसके हाथ में ही रहा। वीर ने उसे थोड़ी दिलचस्पी के साथ देखा, ये सोचते हुए कि वह इसके साथ क्या करेगी, लेकिन उसने बस ज्ञापन को उसकी ओर बढ़ा दिया। इसे लेने के बाद वीर ने अपना सिर झुकाया, जिससे महिला आरोग्यकर्ता आंसू भरी आवाज में बोलने लगी, मैंने वह लिख लिया है जो मैं अपने परिवार से कहना चाहता था। जब आप बाहर निकलें तो कृपया सुनिश्चित करें कि उन्हें ये बात समझ में आ जाए, कृपया। अगर वह जोर से हंसता तो शायद उसे चोट लग जाती है न। वीर ने अपनी बढ़ती हुई हंसी को दबाया और मेमो जेब में रख लिया। मैं फिलहाल इसे अपने पास रखूंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे पेश नहीं कर पाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा, महिला चिकित्सक ने अपना सिर हिलाया। उच्च औक योद्धा इस तरह उत्साहपूर्वक हम पर नजर रख रहे हैं, इसलिए उसके लिए यहाँ से बिना किसी नुकसान के निकल पाना आसान नहीं होगा। आखिरकार मिस्टर पोर्टर केवल ई रैंक के थे, हालांकि उसे अभी तक ये पता नहीं चला था कि वीर का क्या मतलब था। जल्द ही उनकी नजर बॉस के कमरे पर पड़ी। हंटर्स की बेचैनी हवा में फैल गई और उनकी त्वचा पर महसूस की जा सकती थी। उनका स्वागत एक विशाल खुले स्थान पर किया गया। वीर ने बॉस रूम को स्कैन किया। ये कल के बॉस रूम से छोटा था जिसमें विशालकाय था। हालांकि कल के विपरीत उसे यह आभास नहीं हुआ कि बॉस रूम बिल्कुल भी बड़ा था। और यह सब अनगिनत हाई ऑक्स की बदौलत था जो चैम्बर को पूरी तरह से भर रहे थे। सच तो यह है कि यहाँ छापा मारने वाली टीम को एस्कॉर्ट करने वाले लोगों की तुलना में दोगुने से भी अधिक ऑक्स थे। कम से कम 100, नहीं शायद यह उससे थोड़ा अधिक हो। जबकि बाकी कालकोठरी के अंदर कोई राक्षस नहीं थे, उन्हें बॉस रूम के अंदर इकट्ठा किया गया था। अंदर प्रतीक्षा कर रहे उच्च ऑर्क्स की भीड़ को देखकर सोन की हून का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। अगर इतने सारे हाई ऑक्स गेट से भागने में कामयाब हो गए तो यह इतनी बड़ी भीड़ थी कि एक छोटे से शहर को पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी, वह भी तब जब शीर्ष शिकारियों को उनके बारे में कुछ करने का मौका मिलता। उसकी पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा था। कम से कम हमें बॉस को खत्म करना होगा। जिस प्रकार उसने सूखी लार को दृढ़तापूर्वक निगल लिया था, उसी प्रकार उसने अपने हृदय में अपने दृढ़ संकल्प को प्रज्वलित रखने की पूरी कोशिश की। बॉस रूम के उच्च ऑक्स ने रास्ता बनाने के लिए भाग लिया। आशार, नेता हाई ऑक ने फिर से इशारा किया। छापा मारने वाली टीम और साथ चल रहे हाई ऑक बॉस रूम के कोने में स्थित एक वेदी पर चले गए।
वहां पर शिकारियों में से एक ने वेदी के शीर्ष की ओर इशारा किया और यहीं पर उच्च औक्षमन खड़ा था, जिसने अपने पूरे शरीर को सजाने के लिए सभी प्रकार की सजावट की हुई थी, जिसमें एक मुखौटा, हड्डी का हार और झुमके शामिल थे। तो वह बॉस है, सोन की भूखी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसे तुरंत एहसास हुआ कि इस कालकोठरी के अंदरूनी हिस्से को भरने वाली भयानक जादुई ऊर्जा उस प्राणी से निकल रही थी, और फिर उस कमीने को चारों ओर से घेर लिया गया। बॉस के चारों ओर सतर्कता से खड़े चार गार्डों से उसे एक अशुभ आभा का भी आभास हुआ। यह अच्छा नहीं है, क्या छापा मारने वाली टीम उन गार्डों को पीछे छोड़कर एक ही झटके में शमन को मार सकती थी? शिकारी सभी लगभग एक ही बात सोच रहे थे। शिकारी शमन के सामने रुक गए। मानव शिकारियों को घेरने वाले उच्च ऑर्क्स के बीच एक निश्चित अमूर्त तनाव प्रवाहित हो रहा था, क्योंकि वे एक निश्चित दूरी पर थे। के हालांकि शमन को उस जगह के माहौल की परवाह नहीं थी, उसने बस अपने विकृत जबड़े को खोला जो मुखौटे के नीचे दिखाई दे रहा था और जोर से हंसने लगा। ओह मानवो, आपका स्वागत है। छापा मारने वाली टीम के शिकारियों ने एक दूसरे को देखा। जैसे ही सोन युंग हमें संकेत देगा, हम एक साथ हमला करते हैं। शमन पर निशाना साधो, चाहे कुछ भी हो। इसका उद्देश्य उनके हमलों का समन्वय करना था। तथापि अचानक उनके चारों ओर की हवा जमने लगी। इस छापामार दल के शिकारी सबसे बेहतरीन शिकारी थे। अचानक आए इस भयावह आभा को देखकर उन सभी ने एक साथ अपनी निगाहें बदल ली। इसका स्रोत शमन था। प्राणी ने आखिरकार अपना मुखौटा उतार दिया। जब उसने ऐसा किया तो उसमें छिपी जादुई ऊर्जा बिना किसी रोक टोक और बाधा के बाहर निकल आई। गड़गड़ाहट विचित्र जादुई शक्ति बॉस को केंद्र में रखकर गोलाकार तरंगों में फैल गई, मानो वे सामान्य शक्तिहीन नागरिक हों जो किसी शेर या बाघ से टकरा गए हों। शिकारी वही मूर्तियों के समूह की तरह जम गए। हे भगवान, इतनी बड़ी जादुई शक्ति कैसे हो सकती है? हमें इस तरह की किसी चीज के खिलाफ लड़ना होगा। निराशा, विलाप, आक्रोश, यहां तक कि पछतावा भी। निराशा के इन विभिन्न रूपों का सामना करते हुए जादूगर के चेहरे पर एक अशुभ मुस्कान उभरी। क्या तुम मुझसे डरते हो, इंसानो? सोन की फून ने अपने निचले होंठ को जोर से काटा और प्रश्न पूछने से पहले एक कठिन कदम आगे बढ़ाया। तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारे योद्धा वहां हमें मार डालने के लिए पर्याप्त होते। जादूगर फिर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट को देखकर ही शिकारियों की पीठ कांप उठी। यह मनोरंजन के लिए है क्या? सोन की हूँ पूरी तरह अवाक रह गया। क्या उन्हें इसी उद्देश्य से यहाँ लाया गया था? शमन आगे बोलता रहा, जब तक हम बचे हुए समय का इंतजार करेंगे, मैं तुम्हें एक एक करके मार डालूंगा और सैनिकों का मनोरंजन करूंगा। वाह, सभी उच्च ऑर्क योद्धा उन्माद और उत्साह में दहाड़ने लगे। ऑर्क्स द्वारा उत्सर्जित भारी दबाव के कारण शिकारी बेरहमी से नीचे गिर गए और ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उनमें से एक तो रोने भी लगा। तथापि फिर जादूगर ने कुछ देर के लिए बोलना बंद कर दिया। बॉस की नजर घूमकर मानव समूह के पीछे रुक गई। जहां वीर था, मैं देख रहा हूं कि तुम मनुष्यों के बीच एक अजीब प्राणी घुल मिल गया है। तभी सोन की हूं की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। शमन कहीं और देख रहा है, यह मेरा मौका है। उसकी गर्दन में नसें उभर आई थीं। अब सोहन की हूं ने जोर से दहाड़ते हुए अपनी तलवार निकाली और बाहर भागा। हालांकि उसके पीछे भयानक सन्नाटा था। ऐसा कैसे? भागते हुए उसने पीछे देखा और पाया कि उसके साथी अपनी जगह पर जड़वत खड़े थे, एक इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बॉस की जबरदस्त ताकत के प्रदर्शन से वे बहुत पहले ही अपनी लड़ने की भावना खो चुके थे। सोन की हूं का दिल उसके पेट में धंस गया। आह, फिर भी किसी को तो ये करना ही था। अब वह रुक नहीं सकता था। उसकी नजर फिर सामने की ओर घूम गई। शायद उसके हमले की उम्मीद नहीं थी। शमन अभी भी मुस्कुरा रहा था और उसके रक्षक भी कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे थे। यह उसका एकमात्र मौका हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह शुद्ध भाग्य था, वह भी संयोग को स्वीकार कर लेता जब तक उसकी तलवार पहुंच सकती थी। सोहन की हूं तेजी से आगे बढ़ा और अपनी तलवार पीछे खींच ली। वाह, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी पूरी ताकत से तलवार घुमा पाता, वह किसी अदृश्य चीज से टकरा गया और दूर जा गिरा। धमाका, पहले तो ये ढाल जादू था। केवैग रिबाउंड से दूर उछलकर सोन की हूं जमीन पर गिर गया और पीछे की ओर लुढ़क गया। लेकिन ये कुछ ही देर तक चला। ऐसा लगता है कि हमें अपना पहला स्वयंसेवक मिल गया है। शमन के उपहासपूर्ण शब्दों के साथ ही सोन की हूं का शरीर हवा में ऊपर उठ गया। वो और अब ये गुरुत्वाकर्षण विरोधी जादू था। जादूगर के होंठ लगातार ऊपर नीचे हिल रहे थे। जब सोन की हूं को दो मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर उठाया गया तो जादूगर ने एक अलग मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण त्वरण आया। कबूम, सोन की हूं को जमीन पर पटक दिया गया। कियो हेवैक, उसे दर्द से छटपटाने का भी समय नहीं मिला क्योंकि उसे फिर से हवा में उठा लिया गया। गुरुत्वाकर्षण विरोधी के
न केवल शमन बल्कि बाकी उच्च ऑर्क्स भी उपहास में हंस रहे थे। उनके नुकीले दांत अब पूरी तरह से उजागर हो गए थे। कबूम केओ हेवैग वो धमाका केवैग। शमन ने सोहन की खून को उठाकर और पटक कर उसके साथ खेलना जारी रखा। चौथी बार जब वह जमीन पर गिरा तो सोहन की खून ने मुंह से खून की उल्टी की। ये दृश्य देखकर शिकारियों का चेहरा और भी पीला पड़ गया, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। हुंग वे बस वहीं खड़े होकर कांपते रहे जब उन्होंने सोन की खून को टुकड़ों में टूटते देखा। प्लॉप महिला चिकित्सक फर्श पर इस तरह गिर पड़ी मानो उसके पैरों में अब कोई ताकत नहीं बची हो। अंततः शमन ने पांचवी बार सोन की खून को हवा में उठाया। तुम सच में एक जिद्दी कमीने हो, है ना? ओह ओह सोहन की खून के मुंह से दर्द भरी का राह निकल पड़ी। हालांकि उसने अभी भी तलवार नहीं छोड़ी, जैसे उसने अभी तक हार नहीं मानी हो। वोंग स्लैम वोंग स्लैम वोंग। जब वह कई बार हवा और जमीन के बीच ऊपर नीचे फेंका गया तो अंततः सोहन की खून की तलवार पर पकड़ ढीली पड़ गई। खनक ये तभी हुआ जैसे ही सोहन की खून को एक बार फिर जमीन पर फेंका गया, वह दृश्य से गायब हो गया। एनजी शमन की आंखें और चौड़ी हो गईं। वह इंसान कहां गायब हो गया जबकि अब तक उसकी सारी हड्डियां टूट जानी चाहिए थी। शमन ने सोन की खून का पता ढूंढा। वहां कुछ ही दूरी पर एक कोने में उसे सोन की खून नाम का एक आदमी जमीन पर पड़ा मिला, और उसी समय उसे एक आदमी भी पास में बैठा मिला। बेशक ये वीर था। वीर ने सावधानी पूर्वक सोन की खून को नीचे लिटाया और शमन को घूर कर देखा। अरे मिस्टर लीडर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब तक सोन की खून को ये पता नहीं चल पाया था कि उसके साथ क्या हुआ था। क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं यहाँ के सभी राक्षसों को मार दूं? तुम क्या हो? जादूगर ने भौहें सिकुड़ी और अपनी ठुड्डी से इशारा किया, और एक रक्षक ने अपनी कतार घुमाई और जहाँ वीर था वहाँ भाग गया। जैसे ही वीर ने अपनी ओर दौड़ते राक्षस को देखा, उसकी आंखों में क्रोध की एक चमक चमक उठी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। शासक की पहुंच। जब उसने ऐसा किया तो ऐसा लगा जैसे किसी विशाल अदृश्य हाथ ने ऑफ गार्ड को पकड़ लिया हो और राक्षस को जमीन से साफ साफ उठा लिया गया हो। कुरुआ राक्षस ने लात मारी और हवा में संघर्ष किया। क्या? शमन की आंखें चौड़ी हो गईं। वीर ने जमीन की ओर इशारा किया। स्लैम गार्ड जमीन पर गिर गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जमीन पर गहरी दरारें पड़ गईं। हालांकि वीर यही नहीं रुका। ठीक वैसे ही जैसे शमन ने सोहन की खून के शरीर को छेड़ा था, उसने गार्ड को फिर से हवा में उठा लिया। स्लैम धमाका कबूम। जमीन और हाथ के बीच उछलते बास्केटबॉल की तरह और गार्ड लगातार छत और जमीन से टकराता रहा। उसके मुंह से एक असहाय चीख निकल रही थी। आखिरकार उसका सिर छत में जा घुसा। कबूम बिखराव। इसके साथ ही छत से मलबा नीचे गिर गया। छत में सिर गड़ाए लटकते ऑक गार्ड को घूरते हुए उच्च ऑक और शिकारी दोनों समूह अपने आश्चर्य को छिपा नहीं सके। सोहन की हूं कांप उठा और वीर से सवाल किया। आप बस आपका क्या है? मैं आपसे फिर पूछूंगा। यह एक शिकारगाह थी जिसका खर्च हंटर्स गिल्ड ने उठाया था, और उस समय वहां केवल एक ही व्यक्ति मौजूद था जो गिल्ड की ओर से बोल सकता था। वीर ने आखिरी बार पूछा। इस जगह पर राक्षस हैं, क्या मैं उन सबको पा सकता हूँ? यह क्या था? सोन की खून को अब एहसास हुआ कि कुली की पहचान या जो भी हो अब कोई मायने नहीं रखता। नहीं, वह बस नाराज था। वह खुद पर गुस्सा था कि राक्षसों ने उसके साथ इस तरह खिलवाड़ किया। सोन की खून के चेहरे पर आंसू बह निकले। कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ, कुछ कीजिए। इसके साथ ही यह कार्य पूरा हो गया। जब वीर वापस खड़ा हुआ तो हाई ऑक्स उसके पास आए। शमन उनके पीछे था। बॉस ने उपहास में मुस्कुराना शुरू कर दिया। एक तुच्छ मनुष्य के लिए आप कुछ दिलचस्प कौशल जानते हैं, है ना? बॉस ने इशारा किया और हाई ऑक्स ने तुरंत वीर को घेर लिया। हालांकि आपको क्या लगता है कि आपकी तरकीबें आपको कितनी दूर तक ले जाएंगी? वीर की निगाहें और भी ठंडी हो गईं। उसने अब तक जितने भी राक्षस मारे हैं उनमें से किसी की भी उसे परवाह नहीं थी, लेकिन यह उसका पहला मौका होगा जब वह किसी राक्षस को इतनी बुरी तरह से काटना चाहेगा। मैं अंत में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यदि बॉस को आनंद का अर्थ पता होता तो निश्चित रूप से उसे यह भी पता होता कि भय का स्वाद कैसा होता है। वीर धीरे से बुदबुदाया। मेरी परछाया। वीर के हाथों में दो खंजर दिखाई दिए। बाहर निकलो और खेलो। एक काली सेडान कार सड़क के किनारे रुकी। धूप का चश्मा और काले रंग का बिजनेस सूट पहने ड्राइवर की सीट से उतरता हुआ वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हंटर्स एसोसिएशन के मॉनिटरिंग डिवीजन का अनुभाग प्रमुख रुजिन चेओल था। उसके बाहर निकलते ही कार की यात्री और पिछली सीटों से तीन और लोग बाहर निकले। वे सभी मॉनिटरिंग डिवीजन से थे। चीफ, क्या हम एसोसिएशन की ओर वापस नहीं जा रहे थे? मैं पहले बस कुछ पुष्टि करना चाहता था। वुजिन चियोल ने अपनी नजर कुछ दूर स्थित गेट पर घुमा ली। जब भी मैं गेट को देखता हूँ तो मुझे आज भी डर लगता है। वुजिन
चेओल ने गहरी भौहें सिकुड़ी। अगर वह विशाल छेद दरवाजे की तरह खुल गया और अंदर फंसे राक्षस बाहर निकल आए, इसकी कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठता था। हालांकि उस आदमी ने ऐसी भयावह जगह पर खनिक बनने के लिए आवेदन क्यों किया। इतना ही नहीं, वह भी लगातार 2 दिनों तक। भले ही एसोसिएशन के अध्यक्ष गोहगोन हुई ने उनसे नहीं पूछा होता, फिर भी वु जिन चेओल व्यक्तिगत रूप से यहाँ आकर पता लगाते। उसकी पीठ पीछे जांच करना असंभव है। प्रश्न में व्यक्ति एक जागृत रैंक एस था। उसके जैसे तुच्छ रैंक का गुप्त रूप से एस रैंक की जांच करते समय अनदेखा हो जाना वास्तविक रूप से कहा जाए तो एक असंभव सपना था। इसीलिए उन्होंने इस तरह खुले में आने का निर्णय लिया। चूंकि उसे पास में ही एक काम निपटाना था, इसलिए उसने सोचा कि वह युवक का अभिवादन करते हुए कहेगा कि वह पड़ोस में ही है और फिर उससे कुछ सरल प्रश्न पूछेगा। मुझे आशा है कि वह मुझे अजीब या कुछ भी नहीं समझेगा। किसी को भी परिस्थितियों के बारे में जानने की जिज्ञासा हो सकती है। यदि एक शिकारी जो पहले से ही रैंक एस होने की पुष्टि कर चुका है किसी कारण से जमीन खोदने का फैसला करता है। इसके अलावा क्या मिस्टर वीर ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर एसोसिएशन अध्यक्ष का पूरा ध्यान था? एसोसिएशन अध्यक्ष को यह युवक बहुत पसंद आया होगा क्योंकि उसने अपना पूरा ध्यान वीर के हर काम पर केंद्रित कर दिया था। नहीं, मैं यहाँ अजीब नहीं हूँ। ये स्पष्ट था कि आप उत्सुक होंगे और पूछना स्वाभाविक था। खुद से यह कहते हुए वु जिन चेओल वहां चला गया जहां शिकारी संघ का प्रतिनिधि था। मैं आपकी खनन टीम की तलाश कर रहा हूं। आप कौन हैं? मैं एसोसिएशन से हूं। गिल्ड कर्मचारी ने वु जिन चेओल की पहचान की पुष्टि की और प्रतीक्षारत खनन टीम की दिशा में इशारा किया। कृपया उस तरफ आइए। धन्यवाद। मॉनिटरिंग डिवीजन के 4 हंटर्स अब खनन टीम का दौरा कर रहे थे। जैसे कि उन्हें पहले से ही इस बात की सूचना मिल गई हो, फोरमैन बे ह्यून सीओक जल्दी से आधे रास्ते में उनसे मिलने के लिए दौड़ा। एगो, मॉनिटरिंग डिवीजन के हंटर्स को यहाँ क्या लाता है? खनन दल के सदस्य तब तक आराम कर रहे थे तभी उन्होंने ये शब्द सुन लिए और उनकी आंखों में तनाव झलकने लगा। मॉनिटरिंग डिवीजन शब्द से हंटर्स को जो दमनकारी दबाव महसूस हुआ वह बहुत बड़ा था। जिन लोगों का काम जागृत लोगों को गिरफ्तार करना था, जिनके बारे में सामान्य कानून कुछ नहीं कर सकते थे, उन्होंने या तो उपद्रवियों को सुधार दिया या उन्हें खत्म कर दिया। मॉनिटरिंग डिवीजन वह जगह थी जहां ऐसे लोग काम करते थे। क्या चल रहा है? निगरानी प्रभाग के शिकारी यहाँ हैं। निगरानी विभाग, कुछ तो हुआ होगा। अब उत्सुकतावश खनन टीम के सदस्य फोरमैन बे के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। वु जिन चेओल ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया। उसने मिस्टर वीर का पता लगाने के लिए खनिकों के चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन अंत में उसे फोरमैन बे से उस आदमी का पता पूछना पड़ा। क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर वीर हंटर निम कहाँ है? मुझे तो ये पता था। अचानक खनिकों के बीच से एक आदमी बाहर कूद पड़ा। ये ली सेओंग गु था जो कल वीर के कंधे से टकराया था। ली सेओंग गु ने जोश में आकर अपनी शिकायतें उगल दी। उनके तेजी से निकलते शब्दों के साथ थूक भी उड़ रहा था। जब उस कमीने ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराना शुरू किया तो मैं डर गया कि कहीं वह मुझे जिंदा ही ना खा जाए या कुछ और। तुम्हें पता है? ओह वाह, जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह अभी भी बहुत डरावना लगता है। वु जिन चेओल की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। इतना भयानक कि एक इंसान को खा जाए। आखिर यह आदमी किस बारे में बात कर रहा था? बड़बड़ाहट बड़बड़ाहट, शिकारियों की आवाजें ऊंची और ऊंची होती चली गईं। वु जिन चेओल ने पृष्ठभूमि के शोर को अनदेखा किया और ली सेओंग गु से पूछा, कुछ हुआ क्या? अच्छा ये तो। ली सेओंग गु उसे जवाब देने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि गलती उनकी भी थी और उन्होंने जल्दी से अपने हाथ इधर उधर हिला दिए। खैर ये वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुख्य बात यह है कि उसकी आंखें वास्तव में डरावनी थी यार। वु जिन चेओल की नजर पुनः फोरमैन बे पर गई। मैं मिस्टर वीर को कहाँ पा सकता हूँ? मिस्टर वीर हैं, वह अभी गेट के अंदर हैं। मिस्टर वीर रैन के कालकोठरी के अंदर था जहाँ छापा चल रहा था। वु जिन चेओल की आंखें चौड़ी हो गईं। वह कालकोठरी में क्यों घुसा? अच्छा, आज छापा मारने वाली टीम का कुली नहीं आया, आप देखिए। कोई भी वहां नहीं जाना चाहता था, इसलिए मिस्टर वीर ने कुली के रूप में स्वेच्छा से काम किया। लेकिन यह थोड़ा अजीब है, तुम्हें पता है? आपका क्या मतलब है? ठीक है, यह कोई खास बात नहीं है, लेकिन चाह हंटर निम नहीं, मेरा मतलब है चाहे इन हंटर निम भी मिस्टर वीर की तलाश कर रही थी, इसलिए वह अभी गेट में दाखिल हुई। तुम्हें पता है क्या ये बहुत अजीब नहीं है? फोरमैन बे ने वहां आकर अपना सिर झुकाया। इस बीच ये सुनकर वु जिन चेओल का दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया। हंटर्स गिल्ड के उपाध्यक्ष चाहे इन मिस्टर वीर की तलाश कर रहे थे, इतना ही नहीं वह उनके पीछे कालकोठरी में भी चली गई। आखिर यहाँ क्या हो रहा था? वह केवल मिस्टर वीर को नमस्ते कहने के लिए रुके थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल मुझे गेट की ओर जाना चाहिए। फिलहाल यही सबसे अच्छा विकल्प था जो वह चुन सकता था। हम गेट पर रुकेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। ओह जरूर,
फोरमैन बे ने खुशी से हंसते हुए अपना सिर हिलाया। जैसे ही वो जिन चेओल और उसके अधीनस्थ जाने के लिए मुड़े, ली सियोंग गु ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। माफ कीजिए मिस्टर हंटर, ली सियोंग गु के चेहरे पर किसी कारण से यह उत्सुकता थी जब उसने जल्दी से वो जिन चियोल से पूछा, उस कमीने मिस्टर वीर ने कुछ बुरा किया है, हो सकता है उसने किसी को मार दिया हो, मेरा मतलब है वह ऐसा लग रहा था कि वह ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम है। वो जिन चेओल ने फिर से थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। वह समझ सकता था कि क्यों मिस्टर वीर ने इस मूर्ख को डरावनी नजर से देखा था। एक मूर्ख जो अगर मिस्टर वीर उसके सामने खर्राटे लेगा तो वह उड़ जाएगा। फिर भी वहां बहुत सी आंखें थीं जो उसे देख रही थीं। एसोसिएशन के लिए काम करने वाले एक शिकारी के रूप में वह किसी अजनबी पर अपनी जलन को लापरवाही से प्रदर्शित नहीं कर सकता था। यही कारण है कि कभी कभी सार्वजनिक संगठन के लिए काम करना काफी परेशान करने वाला हो सकता है। वो जिन चेओल ने एक लंबी सांस छोड़ी और यथासंभव कूटनीतिक लगने की पूरी कोशिश की। कल शाम के समाचार प्रसारण को देखने पर आपको पता चल जाएगा, शायद इससे उनकी अधिकांश शंकाओं का उत्तर मिल गया, ली सियोंग गु ने अपनी आवाज ऊंची कर दी, मानो उन्होंने इसकी सही भविष्यवाणी की हो। मैंने तुमसे कहा था, है ना, मैंने तुमसे कहा था कि वह आदमी बहुत शक्की है, लेकिन उसने उस तरफ नहीं देखा। ठीक है, और उसने बहुत लगन से काम भी किया। अपने सहकर्मियों की उदासीन प्रतिक्रियाओं की परवाह न करते हुए ली सियोंग गु ने बताया कि उनकी सूक्ष्म दृष्टि कितनी महान थी। तस्क वु जिन चियोल ने अपने अधीनस्थों को गेट की ओर ले जाने से पहले उस आदमी को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखा। तथापि वु जिन चियोल सहज रूप से गेट से कुछ कदम दूर रुक गया। अध्यक्ष, अधीनस्थ लोग वु जिन चियोल के कठोर चेहरे को असमंजस में देखने लगे। यह नहीं हो सकता, इसका कोई मतलब नहीं है। वु जिन चियोल ने जल्दी से अपना फोन निकाला। फिर उसने एसोसिएशन के सूचना केंद्र पर जाकर रैंक के गेट के बारे में उपलब्ध जानकारी देखी जिसे हंटर्स गिल्ड को आज जीतना था। वु जिन चेओल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जादुई ऊर्जा का मापा मूल्य इतना कम क्यों है? उसका सिर स्वतः ही एक ओर से दूसरी ओर हिलने लगा। मापन परिणाम गलत हैं। रैंक के सभी शिकारी समान नहीं थे। उदाहरण के लिए हंटर वु जिन चेओल रैंक में सबसे ऊपर था और उसकी सहज बुद्धि उसे यह बता रही थी माप का मूल्य पूरी तरह से गलत था। वु जिन चेओल ने तुरंत अपने पास बैठे अधीनस्थ को आदेश जारी किया, जाओ और जादुई ऊर्जा मापने वाला उपकरण ले आओ। अधीनस्थ को तुरंत एहसास हो गया कि वु जिन चियोल की अभिव्यक्ति गंभीर थी और वह जल्दी से उस जगह भागा जहां उनकी कार खड़ी थी। मॉनिटरिंग डिवीजन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला छोटा मापने वाला उपकरण एसोसिएशन के नियमित कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों से गुणवत्ता में एकदम अलग था। 1 अरब वॉन से ज्यादा की लागत वाले शीर्ष श्रेणी के जादुई क्रिस्टल से बने उपकरण के अनुरूप इस उपकरण के परिणामों में बहुत कम ही गलतियां या त्रुटियां आती थीं। बीप, माप का परिणाम शीघ्र ही सामने आ गया। मैं जानता था, प्रदर्शित परिणाम में पहले से मापे गए मूल्य में स्पष्ट विसंगति दिखाई दी। यदि गिल्ड ने एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत मापे गए मूल्य के अनुसार अपनी छापामार टीम बनाई होती तो यह निश्चित रूप से एक गंभीर स्थिति बन जाती। खैर, अंदर 2 रैंक एस हंटर्स के साथ मुझे यकीन है कि कुछ भी अप्रिय नहीं होगा, लेकिन जब वु जिन चेओल ने मापने वाले उपकरण को जमीन पर रखा और वापस खड़े होने की कोशिश की, गेट अचानक हिलने लगा। शक्तिशाली जादुई ऊर्जा की लहर ने वु जिन चेओल और उसके 3 अधीनस्थों को, जिनकी धारणाएं उससे कहीं ज्यादा खराब थीं, मौके पर ही चौंका दिया। वे तुरंत पत्तों की तरह कांपने लगे। एस सेक्शन चीफ, क्या था सर? वु जिन चेओल ने अपनी नजर वहां मौजूद सबसे कम उम्र के एजेंट पर घुमाई। बच्चे का रंग अब बहुत पीला लग रहा था। आप ठीक हैं? हाँ सर, मैं ठीक हूँ, जवाब देने के बाद सबसे कम उम्र के एजेंट ने सावधानी से अपने हाथ के पीछे की ओर देखा। उसे अपनी त्वचा पर रोंगटे खड़े होते दिखाई दिए। वु जिन चियोल सीधा खड़ा हो गया। हम अंदर जा रहे हैं, मुझे क्षमा करें, आप वहां जाना चाहते हैं सर? वु जिन चियोल का दृढ़ संकल्प एक क्षण के लिए भी दगमगाया नहीं। यदि आप डरे हुए हैं तो आपके लिए पीछे हट जाना ठीक है। केवल उसे ही पता था कि इस स्तर पर माप का मान गलत था। अंदर फंसे शिकारियों को सूचित करना उसका कर्तव्य था। एसोसिएशन के एजेंटों का कर्तव्य था कि वे अन्य शिकारियों का प्रबंधन करें, उन पर कड़ी नजर रखें, लेकिन जरूरत पड़ने पर समय पर उनकी सहायता भी करें। नहीं सर, हम आपके साथ चलेंगे, वु जिन चियोल ने संतोष में अपना सिर हिलाया। जूनियर, यहीं रुको और नए माप परिणाम की रिपोर्ट एसोसिएशन को दो। हाँ, नहीं, रुको सर, क्या आप ये कर सकते हैं? वु जिन चेओल ने यहाँ सबसे कम उम्र के एजेंट के कंधे पर हल्के से थपथपाया और उसने कुछ कठिनाई के साथ अपना सिर हिलाया। हाँ सर, मैं समझ गया, वु जिन चेओल ने पीछे मुड़कर गेट की ओर देखा। पहले से ही अत्यधिक जादुई ऊर्जा उत्सर्जन के अलावा जादुई शक्ति का एक और भी बड़ा तूफान अभी
अभी गेट से बाहर आया है। इस गेट के अंदर क्या चल रहा है? वु जिन, चेओल के नेतृत्व में मॉनिटरिंग डिवीजन के दो एजेंट भी गेट की सतह से आगे निकल गए। लगभग उसी समय चाहे इन छापा मारने वाली टीम के पीछे छोड़े गए निशानों का पीछा कर रहा था। ये बहुत अजीब है, मैं राक्षसों के निशान क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ? एक सामान्य कालकोठरी में राक्षसों की लाशें यहाँ वहाँ बिखरी हुई मिलना सामान्य बात थी, जो प्रवेश द्वार के पास से शुरू होकर बॉस रूम तक फैली हुई थी। लेकिन उसने बहुत ध्यान से देखा, लेकिन उसे कोई मरा हुआ राक्षस नहीं दिखा। क्या राक्षस एक जगह इकट्ठे हुए थे या कुछ और? वह ऐसा सोचती रही और आगे चलती रही, जब तक कि अंततः उसे कुछ दूरी पर लाशें दिखीं। एक रैंक ऐसा हाथापाई प्रकार के शिकारी के रूप में चाहे इन पलक झपकते ही युद्ध स्थल पर पहुंच गया। ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखें बहुत चौड़ी हो गईं। सभी लाशें हाय ऑक्स की थीं। उन्हें पहचानना आसान था क्योंकि उनकी त्वचा लाल थी और उनके नुकीले दांत भी काफी लंबे थे। मिस्टर सोन की खून की टीम इतने सारे हाय ऑक्स को कैसे हरा पाए? और क्या बस इतना ही था? ऐसा लगता है कि वहां कोई हताहत नहीं हुआ। बेशक अगर कोई हताहत होता तो वे खुद ही पीछे हट जाते, जिससे उसे यहां अंदर पैर रखने की परेशानी से बचा जा सकता था। क्या मैंने रैंके और बी हंटर्स को बहुत कम आंका था? ये निश्चित रूप से मामला हो सकता है। स्थान का निरीक्षण करते हुए उसने सोचा कि लड़ाई भी कुछ हद तक एक तरफा ही होगी। तथापि रुको है ना, चाहे इन्हें कुछ अजीब पाया और एक लाश को करीब से देखने के लिए नीचे झुकी और उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चौड़ी हो गईं। वह वापस खड़ी हुई और जल्दी से हाय ऑक की हर लाश की जांच करने लगी। ये भी और यह भी। उसका संदेह धीरे धीरे निश्चय में बदल गया। आखिर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? लगभग सभी उच्च ऑक्स छोटे लेकिन अविश्वसनीय रूप से तेज हथियारों से घायल हो गए थे। वे वार इतने घातक नहीं थे कि जान जा सके, लेकिन उसने सोचा कि ये निश्चित रूप से हाय ऑक्स की गतिविधियों में बाधा डालने के लिए पर्याप्त थे, जिसका मतलब था कि अन्य शिकारी बस किसी और द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी मेज पर भोजन कर रहे थे। इसका अर्थ ये भी था कि एक शिकारी अकेले ही सभी 20 उच्च ऑक्स का नरसंहार करने में कामयाब रहा। केवल दो हाय ऑक्स को बाकी सभी से अलग तरीके से मारा गया था। एक का सिर अविश्वसनीय बल से फट गया था, जबकि दूसरे की मौत किसी कुन चीज के सिर पर लगने से हुई थी। उन दोनों को छोड़कर एक व्यक्ति बाकी सभी ऑक्स को मौत के कगार पर पहुंचाने में कामयाब हो गया। क्या ऐसी बात भी संभव हो सकती है? उसे अपनी गति पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी वह उसी परिस्थिति में वही उपलब्धि हासिल करने के बारे में निश्चित नहीं थी। और साथ ही जो कुछ वह जानती थी उसके अनुसार सोन की खून की टीम में खंजर या छोटी तलवारें रखने वाला कोई हत्यारा प्रकार का शिकारी नहीं था। तभी एक दृश्य उसके दिमाग में कौंधा। वह आदमी जो कल बॉस के कमरे के पास खड़ा था, मिस्टर वीर निश्चित रूप से अपने दोनों हाथों में छोटे हथियार पकड़े हुए था। क्या ये वही आदमी हो सकता है? जब उसके विचार इस बिंदु पर पहुंचे तो चाहे इनका सिर कालकोठरी के गहरे हिस्सों की ओर झुका और उसकी अभिव्यक्ति तेजी से कठोर हो गई। वह इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जादुई ऊर्जा तरंग, नहीं जादुई ऊर्जा कंपन को महसूस कर सकती थी, जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, वहां से आ रही थी। हवा भी कांप रही थी, कठोर थी। नहीं, चाहे इनने अपने निचले होंठ काट लिए। यदि वह जादुई ऊर्जा बॉस राक्षस की होती तो सोन की खून की टीम का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बच पाता। वह पूरी ताकत से बॉस के कमरे की ओर दौड़ने लगी। बाहर निकलो और खेलो, सब कुछ इन्हीं शब्दों से शुरू हुआ। वाह, हायोक शमन की जादुई ऊर्जा की लहर की तुलना में एक अतुलनीय रूप से बड़ी लहर हर जगह फैल गई। हालांकि यह एकमात्र परिवर्तन नहीं था, अपनी जादुई शक्ति को मुक्त करने के साथ ही वीर के पैरों के नीचे की छाया भी फैल गई और इसने भयावह गति से पूरे कक्ष की सतह को ढक लिया, जैसे किसी ने फर्श पर काली स्याही की एक बाल्टी उड़ेल दी हो। हे वैग का, यह क्या है? सोन की खून की छापामार टीम के शिकारियों ने अपने पैरों के नीचे छाया फैलते देखा और घबरा गए। वे इस स्थिति का वर्णन कैसे कर सकते हैं? समूह के सबसे अनुभवी शिकारियों ने भी ऐसा कुछ नहीं सुना था, देखना तो दूर की बात है। घबराना, एक अज्ञात भय उन पर छा गया। जमीन पर लेटा हुआ सोन की शक्तिहीन होकर वीर को घूरते हुए हिंसक रूप से कांपने लगा। क्या आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? मानो उसके मौन प्रश्न का उत्तर दे रही हो, जब फैलती हुई छाया ने बॉस के कमरे के फर्श को पूरी तरह ढक लिया। शुरू रुक, छाया की सतह डगमगा गई और गहरे काले रंग के कवच पहने सैनिक एक करके ऊपर उठे। आपने कौशल संप्रभु का क्षेत्र सक्रिय कर लिया है। समरण की छाया पर लड़ने वाले छाया सैनिकों के सभी आंकड़े 50% तक बढ़ जाएंगे। वीर के होठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। अच्छा, यह नया वर्ग विशिष्ट कौशल था जो उसने तब सीखा जब वह दानव के महल में 70वें स्तर को पार कर गया था। उसने अपने उन्नत सैनिकों की लड़ाकू भावना को और अधिक ऊपर उठते हुए महसूस किया।
जाहिर है उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई। 50 बुलाए गए छाया सैनिक वीर के चारों ओर एक घेरे में खड़े थे, मानो उसे बचाने के लिए। कुरुरुक अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध उच्च औक योद्धा वीर और उसके सैनिकों द्वारा डाले गए खतरनाक दबाव से घबरा कर एक कदम पीछे हटने लगे। ओर्क्स पीछे हट रहे हैं, आखिर इसका मतलब क्या है? यद्यपि वे इस अविश्वसनीय स्थिति से पत्ते की तरह कांप रहे थे, फिर भी हंटर्स ने अब नई आशा के एक पतले धागे को पकड़ना शुरू कर दिया। दी, क्या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ? हाँ, क्या इसका कोई मतलब भी हो सकता है? जादूगर प्रकार के शिकारी शुरू से ही जादुई ऊर्जा के प्रति संवेदनशील थे, और वे अपनी तेज दिल की धड़कन को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जादुई ऊर्जा की एक पागल मात्रा उस आदमी से निकल रही थी जो उनके सामान वाहक के लिए आया था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वे एक साधारण रैंकी के रूप में समझते थे, कोई कम नहीं। नहीं, रुको, क्या ये जादुई ऊर्जा है? सोचिए, ये जादुई ऊर्जा हाई ऑक्शमन द्वारा उत्सर्जित की जा रही ऊर्जा से भी अधिक अशुभ है। बॉस रूम में भरी जादुई ऊर्जा के दबाव के कारण ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। यह अविश्वसनीय शक्ति किसी दुश्मन की नहीं थी, इस बात ने उन्हें बहुत राहत दी। दूसरी ओर उच्च ऑक्स के रैंकों के बीच अवर्णनीय रूप से भारी और तनावपूर्ण तनाव बह रहा था। छाया सैनिकों के आगमन के साथ ही 1 से 150 का अंतर अचानक 50 से 150 तक कम हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 50 कोई साधारण 50 नहीं थे। नहीं, ये वो शक्ति थी जो पहले से ही सामान्य ज्ञान से परे थी, जिसे केवल संख्याओं से मापा नहीं जा सकता था। मानो उस वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए वीर सबसे पहले आगे बढ़ा। तभी शमन जल्दी से चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? उस इंसान को अभी मार दो। शमन की जादुई ऊर्जा की मोटी मात्रा वाली आवाज से अपनी पीठ को आगे की ओर धकेलते हुए सभी उच्च औक योद्धा दहाड़ उठे और अपने हथियार उठा लिए। कुवार, कदम 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 टुकड़ा। सॉवरेन टेरिटरी नामक कौशल को केवल उसके शेडो सोल्जर्स के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि स्टेटस बढ़ाने वाले बफ के बिना भी वीर की प्रदर्शित ताकत पहले से ही इस दुनिया से बाहर थी। कुआ कुआ, हायऑक्स चिल्ला उठे। अंग शरीर के टुकड़े वीर के दो खंजरों से कटे हुए थे और खून के निशान सभी दिशाओं में बिखरे हुए थे। वह इतना तेज था कि कुलीन शिकारी भी केवल उसकी छवि की झलक ही देख सकते थे। वह ठीक है, ये हमारे वाइस चेयरमैन को देखने जैसा है। चाहे इनका उपनाम दानसा था, आमतौर पर वह शांत और संयमित रहती थी, लेकिन जब वह युद्ध में कूदती थी तो वह राक्षसों को इस तरह काटती थी मानो वह कोई तेज गति वाला नृत्य कर रही हो, इसलिए उसे यह उपनाम दिया गया। संबंधित महिला ने उस उपनाम का प्रयोग करने से मना किया था क्योंकि ऐसा करना शर्मनाक लगता था, इसलिए यह व्यापक रूप से ज्ञात नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे कभी कभी इसी नाम से पुकारते थे। और अब उनका कथित कुली ऐसी चाल दिखा रहा था जो चाहे इनके बराबर थी, नहीं बल्कि उसकी गति से भी अधिक थी। अगर चाहे इन नाचता था तो मिस्टर पोटर एक तूफान था। वह आस पास के राक्षसों को नष्ट करने के लिए तूफान का केंद्र बन गया था। कुआ छाया सैनिकों ने भी हार नहीं मानी। आईएसबीएस के पूर्व नेता टैंक ने एक कदम आगे बढ़ाया और इससे छाया सैनिकों के हमले का संकेत मिल गया। आयरन ने मोर्चा संभाला, जैसा कि उसने पहले भी किया था। आयरन ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, इससे पहले कि वह लड़ाई में ठीक से शामिल हो पाता। वो आयरन ने कौशल उकसावे का नारा का प्रयोग किया है। लक्ष्यों का प्रतिरोध बहुत अधिक है और इच्छित प्रभाव सक्रिय नहीं हुआ। जब उसका हुनर काम नहीं आया तो आयरन क्रोधित हो गया और एक जानवर की तरह दहाड़ने लगा, और फिर उसने अपने विशाल हथौड़े से असहाय हाई ऑक्स को नष्ट करना शुरू कर दिया। स्वूश, क्वाजीक, दरार, कुहार, केहक, वह इतना विनाशकारी था कि किसी को भी उच्च ऑक्स के लिए थोड़ी सी दया भी महसूस हुई। दूसरी ओर एग्रिट अपने दुश्मनों की गर्दन को खूबसूरती और कुशलता से काट रहा था, जो आयरन की क्रूरता के बिल्कुल विपरीत था। एग्रिट से टकराने वाले हाई ऑक्स को चीखने का भी मौका नहीं मिला, इससे पहले कि उनकी सांसें रुक जाती। टुकड़ा, जब इग्रिट की तलवार ने हवा में एक चाप बनाया तो एक अन्य हाई ऑक का सिर कट गया। नियमित छाया सैनिकों को व्यक्तिगत उच्च ऑक्स के खिलाफ लड़ना कठिन लगता था, लेकिन उनके पास सहन शक्ति थी जो थकान का अर्थ नहीं जानती थी और लगभग अंतहीन रूप से पुनर्जीवित करने की क्षमता थी। और इस तरह से समय खरीद कर जादुई सैनिकों से निकलती आग की लपटें बिना किसी अपवाद के दुश्मनों के ऊपर बरसने लगती। काबू बूम, गड़गड़ाहट, कुछ ही समय में हाई ऑक्स की संख्या में काफी कमी आ गई। शमन के गालों का मांस क्रोध से कांप उठा। एक अहंकारी इंसान की हिम्मत कैसे हुई? बॉस की नजर अब वीर पर जम गई थी। बॉस ने जल्दी से पहले उस इंसान को मारने का फैसला किया। काले कवचधारी सैनिक उस मानव द्वारा बुलाए गए थे। अगर वह मानव मर गया तो ये सैनिक भी गायब हो जाएंगे। वीर को मारने के लिए जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। शमन के होंठ तेजी से ऊपर नीचे हिल रहे थे। धीमेपन का गीत, अंधेपन का गीत, अपन करने वाले बुखार का गीत,
असहनीय दर्द का गीत और राक्षसी नींद का गीत, पांच विभिन्न प्रकार के टोने। टोटके एक ही क्षण में पूरे हो गए और अपने इच्छित शिकार की ओर उड़ चले। ये हो चुका है, शमन के होठों के कोने ऊपर की ओर उठ गए। जिस क्षण सभी टोटके पूरे हो गए, वीर को भी जादुई ऊर्जा की अप्राकृतिक गति का एहसास हुआ। जादू है ना? वीर की आंखें शमन की आंखों से मिलीं। औक्षमन ने उपहास्य पूर्वक मुस्कुराया। अब तो बहुत देर हो चुकी है मानव। हेक्स सामान्य जादू मंत्रों से अलग थे और उनसे बचा नहीं जा सकता था। जिस क्षण इसे डाला जाता था, उसी क्षण अंत हो जाता था। उस मानव कमीने के सभी प्रकार के कष्टों से त्रस्त होकर एक चलती फिरती लाश में बदल जाने के साथ उसका भाग्य तय हो चुका था। उच्च औक योद्धाओं और उनके हथियारों द्वारा टुकड़े कर दिया जाना, यह अंत वास्तव में एक तुच्छ मानव के लिए उचित था जो अपनी जगह नहीं जानता था और दिखावा करने की हिम्मत रखता था। हालांकि राक्षस के लिए दुर्भाग्य से वीर के कानों में एक परिचित यांत्रिक बीप गूंजी। नोटिफिकेशन पैनल, असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है। बफ, इम्यूनिटी के प्रभाव से सभी असामान्य स्थितियां हटा दी जाएंगी। टी रिंग, एक के बाद एक यांत्रिक बीपें निकलने लगी। हैक्स, स्लो को हटा दिया गया है। हैक्स, अंधापन का भ्रम दूर हो गया है। सभी पांच हैक्स सक्रिय होने से पहले ही नष्ट हो गए। मुस्कुराओ, वीर ने नतीजों पर मुस्कुराया। जब वह खिलाड़ी बन गया तो उसे एक बफ मिला, महाजादूगर कंडियारू का आशीर्वाद। निरंतर प्रभाव, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु। आप सभी प्रकार की बीमारियों, जहरीले पदार्थों, साथ ही सभी प्रकार के स्टेटस डिबफ से प्रतिरक्षित हो जाएंगे। नींद के दौरान आपकी रिकवरी दर तेजी से बढ़ेगी। इसके कारण उस स्थिति बदलने वाले जादू जैसे कि टोना टोटका के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या जादूगर सदमे में कांप उठा? एकालकोटरी रैंक के एक बॉस के लिए उपयुक्त उच्च औक जादूगर ने तुरंत महसूस किया था कि उसके शापों को उससे भी बड़ी शक्ति द्वारा अप्रभावी बना दिया गया था। लेकिन ये तो मैंने ही टोना टोटका किया था, इसका कोई मतलब नहीं था। हेक्स को दूर करने के लिए शुद्धिकरण जादू की आवश्यकता होती है, या हेक्स की तुलना में अधिक शक्ति वाले किसी प्राणी के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। क्या मनुष्यों में इस महान मुझसे भी अधिक उत्कृष्ट जादूगर है? इससे पहले कि राक्षस कुछ और सोच पाता, शमन अपने पैर के पिछले हिस्से में उठे दर्द से चिल्ला उठा। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि एक खंजर उसके पैर में गहराई तक धंसा हुआ है। ये वीर का नाइट किलर था। शमन ने अपना सिर उठाया और उसकी रक्तवर्णी दृष्टि वीर पर पड़ी। एक साधारण इंसान की हिम्मत कैसे हुई? वीर ने लापरवाही से उस पर झपटने की कोशिश कर रहे एक उच्च औक को काट डाला और चुपचाप औक शमन को कुछ शब्द कहे। चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करो, दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी बेकार काम मत करो। तुरंत ही जादूगर का चेहरा एक सुंदर पके हुए तेंदू के समान लाल हो गया। एक तुच्छ इंसान की हिम्मत कैसे हुई? तो इसमें अभी भी गुस्सा करने की कुछ मानसिक क्षमता बची हुई है ना? पलक झपकते ही वीर की अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई। ईमानदारी से कहूं तो अगर वह चाहता तो युद्ध की शुरुआत में ही शमन को खत्म कर सकता था। हालांकि उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि वह उस जादूगर के दिल में भी डर की भावना पैदा करना चाहता था, जिस तरह से उसने वहां मौजूद शिकारियों के दिल में डर पैदा कर दिया था। हालांकि यह उस घमंडी राक्षस को डर का असली मतलब समझाने के लिए काफी नहीं था। उस कमीने की आंखें अभी भी जिंदा थीं। उस मामले में तो फिर मैं तुम्हें एक दिलचस्प दृश्य दिखाता हूँ। अब से वह एक जादूगर के प्रभाव का वास्तविक क्षेत्र दिखाएगा। इस छाया सम्राट की नजर में अब उसका आस पास का माहौल उत्सव के स्थान जैसा लग रहा था, जिसमें तरह तरह के व्यंजन भरे हुए थे। जमीन पर फैले हाई ऑक्स की लाशों से काले धुएं की लपटें उठ रही थीं, मानो वे वीर के बुलावे का इंतजार कर रहे हों। तो वीर ने उन्हें बुलाया। उतराना, छाया निष्कर्षण शुरू हो गया है। सिस्टम के संदेश के साथ ही उसे अपने कौशल के सक्रिय होने की चेतावनी देते हुए कहीं अज्ञात स्थान से मौत की पीड़ा जैसी भयावह चीखें गूंजने लगीं। शमन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। शमन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, हाई ऑक्स की लाशों के नीचे की परछाइयों से काले हाथ ऊपर उठने लगे, यही कारण था। छाया निष्कर्षण सफल है। वीर अपनी छाया सेना में शामिल होने वाले नए लोगों को संतुष्ट भाव से देखते हुए गहरी मुस्कान देने लगा। मेरे योद्धा मरे नहीं हैं। शमन बेकाबू होकर कांपने लगा। अब तक करीब 50 योद्धा अपनी जान गंवा चुके थे और करीब इतने ही लोग काले कवचधारी सैनिकों में बदल चुके थे। इसका मतलब है कि उस कमीने ने जो सैनिक बुलाए थे वे। शमन को अंततः एहसास हुआ कि वह अज्ञात मानव सामान्य सम्मान का उपयोग नहीं कर रहा था, और साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि वे दुश्मन की शक्तियों के विरुद्ध कितने नुकसानदेह थे। 50 और 150 के बीच की लड़ाई 100 बनाम 100 में बदल गई थी। उच्च औक योद्धा बिना किसी डर के अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध बहादुरी से युद्ध में कूद पड़ते थे, लेकिन जैसे ही वे अपने पूर्व साथियों को छाया सैनिकों के रूप में पुनर्जीवित होते देखते थे तो उनकी लड़ने की सारी भावना तुरंत समाप्त हो जाती थी।
उच्च कोटि के ऑर्क्स, जो कभी भी रक्तपात करने के अवसर से पीछे नहीं हटने के लिए प्रसिद्ध थे, अब भय के कारण खुलेआम पीछे हट रहे थे। ये तथ्य कि वे अपनी मृत्यु के बाद योद्धा के स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे और इसके बजाय दुश्मन की कठपुतली बन जाएंगे, इन उच्च ऑर्क्स के लिए सबसे बुरा दुस्वप्न था। निश्चित रूप से छाया निष्कर्षण कौशल दिखाने का उनका प्रभाव काफी बड़ा था। ये योद्धाओं के विरुद्ध काम कर गया तो फिर शमन के विरुद्ध क्या हुआ? वीर ने अगले चरण में जादूगर के चेहरे का निरीक्षण किया। वीर की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। अंततः उस कमीने की आंखों में भय के चिन्ह दिखाई दिए। पत्ते की तरह कांपते हुए शमन को उस अस्तित्व की याद आई जो मरे हुओं को छाया में पुनर्जीवित कर सकता है। दो ऐसे लोग नहीं हो सकते जिनके पास बिल्कुल एक जैसी शक्ति हो, इसलिए वह इंसान वही होना चाहिए। अगर वह व्यक्ति वही है तो फिर हम यहाँ क्यों हैं? हालांकि जैसे ही शमन ने खुद और हम के बारे में सोचा, उसके मस्तिष्क के अंदर का हिस्सा खाली हो गया और उसमें मौजूद प्रासंगिक यादें एक पल में मिट गईं। वहां बची हुई एकमात्र भावना थी डर। यह न जानते हुए कि क्या हुआ, वीर के चेहरे पर संतुष्टि का भाव आ गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही रहो। शमन को अंत तक डर से कांपने के लिए मजबूर करने की उसकी योजना एक जबरदस्त सफलता थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर घुमाया और फिर बॉस रूम के प्रवेश द्वार पर खड़ी एक जानी पहचानी महिला को देखा। वीर ने अपना सिर झुकाया। वह कौन था? हालांकि वह उसे पूरी तरह से परिचित होने के लिए कुछ ज्यादा ही दूर लग रही थी, इसीलिए उसे यह याद करने में कुछ समय लगा कि उसका नाम क्या था। और वह कोई और नहीं बल्कि वर्तमान में हंटर्स गिल्ड से संबद्ध एस हंटर रैंक की चाहे इन थी। लेकिन वह औरत यहाँ क्या कर रही है? वीर को उसकी मौजूदगी से कुछ हद तक आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन फिर चाहे इनका खुद का आश्चर्य उससे कहीं ज्यादा था। उसकी चौड़ी खुली आंखें वीर और उसके छाया सैनिकों को घूर रही थीं।